रामपुर से, जहां सपा सांसद आजम खान ने पार्लियामेंट में सिटीजन अमेंडमेंट बिल पेश किए जाने पर मौजूदा सरकार पर सत्ता की ताकत गलत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस बिल के बाद एनआरसी लाने की तैयारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में आजम खान ने कहा कि देश में बेरोजगारी और लोगों के पास कारोबार नहीं है, काम नहीं है। आजम खान ने लोकसभा में सिटीजन अमेंडमेंट बिल पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ताकत के बल पर फैसला हुआ है, ऑपोजिशन की संख्या कम है, ऑपोजिशन कितने ही सही बात कहे तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अच्छे लोकतंत्र की मिसाल यह है कि सत्ता पक्ष को ऑपोजिशन की सही बात को ना सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि उसे मान लेना चाहिए। आजम ने कहा कि देश आज बंटा हुआ है, इसी सवाल पर तो 1947 में भी बंटा था। उन्होंने कहा कि जो लोग 1947 में पाकिस्तान नहीं गए वह शायद उनसे ज्यादा बड़े देशभक्त थे जिन्हें जाने का ऑप्शन नहीं था। अब अगर उस देशभक्ति की यही सजा है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र में दिमाग नहीं सिर गिने जाते हैं। सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बाद एनआरसी बिल की तैयारी है कि सवाल पर आजम खान ने कहा कि इससे फायदा तो नहीं होने वाला है। उन्होंने अपने ही अंदाज में जुगलबंदी करते हुए कहा कि एक बार चाइना ने अपनी आबादी के बारे में पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था कि लोग आबादी कम करने के लिए कोशिश करते हैं और मैं आबादी बढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ, इसीलिए क्योंकि एक व्यक्ति जो एक पेट लेकर पैदा होता है वह दो हाथ और दो पैर लेकर भी पैदा होता है, क्योंकि वो अपने लोगों से काम करना, काम लेना जानते हैं और वह उनसे काम लेते हैं। यही वजह है कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और हर फील्ड में, कारोबार में, मशीनरी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में 4G ताकत है। और हैरत करेंगे, मैं जिस जमाने में गया था तो उस वक्त इतनी आबादी वाले देश में सड़कें खाली थी क्योंकि लोग काम पर लगे हुए हैं, वह सड़कों पर बेकार नहीं फिर रहे थे। जापान का उदाहरण देते हुए आजम ने कहा कि जापान में जब मैं जूते के कारखाने में स्ट्राइक हुई तो उन्होंने प्रोडक्शन नहीं रोका बल्कि एक ही पैर जूता बनाया। जब हड़ताल खत्म हो गई तो उन्होंने दूसरे पैर का भी जूता बना दिया, प्रोडक्शन लॉस नहीं होने दिया, नेशनल लॉस नहीं होने दिया। आज यहाँ हालात ये हैं कि लोगों के पास कारोबार नहीं है, काम नहीं। इससे फायदा तो कोई बहुत नहीं होने वाला है। एक बार चाइना ने अपनी आबादी के बारे में पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था कि लोग आबादी कम करने के लिए कोशिश करते हैं और मैं आबादी बढ़ाने के लिए कोशिश करता हूं, इसलिए कि जो व्यक्ति एक पेट लेकर पैदा होता है वो दो हाथ और दो पैर लेकर भी पैदा होता है, वो क्योंकि अपने लोगों से काम लेना जानते हैं और वो उनसे काम लेते हैं। यही वजह है कि चाइना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है हर फील्ड में, कारोबार में, मशीनरी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, फौजी ताकत में। और हैरत आप करेंगे, मैं जिस जमाने में गया था मुश्किल से 4 साल हुए होंगे, लगता ही नहीं था इतनी आबादी वाले देश में इतनी सड़कें खाली क्यों हैं, क्योंकि लोग काम पर लगे हुए थे, तो सड़कों पर बेकार नहीं फिर रहे थे, सब काम पर थे। दुनिया तरक्की तब करती है जब वो विचारों के साथ जीती है। जापान में एक जूते के कारखाने में स्ट्राइक हुई तो उन्होंने प्रोडक्शन नहीं रोकी बल्कि एक ही जूता बनाया। मसलन 8 नंबर का जूता बनाना है तो उन्होंने दाहिना पैर बनाया, बायां नहीं बनाया। जब हड़ताल खत्म हो गई तो उन्होंने बायां बना दिया, प्रोडक्शन लॉस नहीं होने दिया, नेशनल लॉस नहीं होने दिया। आज हालत यह है कि लोगों के पास कारोबार नहीं है, काम नहीं है। ताकत के बल पर फैसला हुआ है और ताकत भी बड़ी ताकत है। अपोजिशन की तादाद कम है, अपोजिशन कितनी ही सही बात कहे तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अच्छे लोकतंत्र की मिसाल यह है कि सत्ता पक्ष को अपोजिशन की सही बात को न सिर्फ ये कि सुनना चाहिए बल्कि उसे मान लेना चाहिए। जिस सवाल पर आज देश बटा हुआ है, इसी सवाल पर तो 1947 में देश बटा था, लेकिन जो लोग पाकिस्तान नहीं गए थे उनके पास रास्ता था पाकिस्तान जाने का, मुसलमानों के अलावा किसी के पास ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान जाने का, लेकिन जो लोग उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए वो शायद उनसे ज्यादा बड़े देशभक्त थे जिन्हें जाने का ऑप्शन नहीं था।
अब अगर उस देशभक्ति की यही सजा है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र में दिमाग नहीं सर गिने जाते हैं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।